गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, जो पहली बार मैंने अपना ब्लॉग अपलोड किया था तो उसमें कुछ ग्लिच आ गया था यूट्यूब की तरफ से, जो कि मुझे बाद में पता चला, मेरे दोस्तों ने बताया। तो माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, आइंदा से मैं भी ध्यान दूंगा। तो अब मैं चलता हूँ ऑफिस के लिए, अपना टाइम हो चुका है। तो मैं चल रहा हूँ रेल की पटरी पटरी। तो आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मार्च में इतनी ज़्यादा गर्मी है तो अप्रैल में तो बहुत भयंकर गर्मी होने वाली है इस बार। तो आज से हमको शायद मेरे को मंडी जाना पड़ेगा, तो आज देखता हूँ भीड़ भड़ाके में एक ब्लॉग आज वहाँ भी बनेगा। तो मैं पहुँच चुका हूँ स्टूडियो। तो पहली बार आपने मेरा वीडियो में पूरा स्टूडियो नहीं देखा था जहाँ मैं काम करता हूँ, तो इस बार मैं आपको पूरा स्टूडियो दिखाऊंगा अपना। अब दिखाने जा रहा हूं मैं अपने स्टूडियो की छत, जहां से देहरादून बहुत खूबसूरत दिखता है। तो ये था अपना स्टूडियो का छत, और आज धूप बहुत ज्यादा है, आंखें भी बंद हो रही है वीडियो बनाने के टाइम। अब चलते हैं नीचे। देख रहे हो आप, बहुत जोर से काम चल रहा है, जो कि मामा अपने गाने बना रहे अपने मामा जी। हेलो गाइस। तो ये अपने अम्मू भाई गाइस, ये म्यूजिक देते हैं गानों में। तो दोस्तों, हमारे साथ है उत्तराखंड के नंबर वन सिंगर जो इस टाइम पे चल रहे हैं, मिस्टर राज टाइगर। तो हेलो, क्या हालचाल? सभी को नमस्कार, प्रणाम, और ऐसे ही प्यार देते रहे अपना, और ऐसे ही सहयोग देते रहे। तो ये अपने राज भाई, आप जानते होंगे, काफी हिट गाने दिए हैं उत्तराखंड में। तो गाइस, आपने अगर राज भाई के गाने नहीं सुने तो प्लीज मिस्टर राज टाइगर सॉन्ग सर्च करें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें यार। ओके राज भाई, तो कुछ कहना चाहेंगे आप मेरे व्यूअर्स को? हाँ भाई, अब ब्लॉगिंग करने लगा है, सिंगर भी है, राइटर भी है, तो सारे पैसे यही कमाएगा भाई, कहाँ है यार। तो अब चलते हैं लंच के लिए। आज लंच में मोबाइल कह रहे हैं कि मोमोज खाएंगे, तो आज मोमोज खाते हैं। सकते हो काफी तीखी चटनी नितिन भाई ने बना रखी है, तो देख सकते हो अभी नितिन भाई का। तो अपने आ चुके हैं मोमो सूप, और अभी नूडल्स भी आएंगे। तो हमारी नूडल्स भी आ गई है अब। तो गाइस, ऑफिस वर्क खत्म हो चुका है, अब चलते हैं रूम की ओर। आज स्टूडियो से जल्दी आ चुका हूँ फिर से अपने ट्रेन के रास्ते। चलते हैं मार्केट की ओर, हमारी सब्जियां वगैरह सारी खत्म हो चुकी है, तो अभी जा रहे हैं हम मार्केट की ओर। तो सब्जी वाले तो कहीं दिख नहीं रहे हैं, तो लग रहा है कि मंडी जाना पड़ेगा, और मंडी काफी दूर है तो जाना तो पड़ेगा, क्योंकि रात को खाना खाना है। तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, देख आप देख सकते हो इधर। हाँ अंकल जी, दो चाय करना। हाँ अंकल जी, ये भी पियेंगे चाय, दो चाय कर देना आप। चाय बन चुकी है और आप पीते हैं चाय, कर लो चाय के साथ पकौड़े भी तो और मजा आ जाते, चार चांद और लग जाते, पर ठीक है जो भी है। तो गाइस, अब खाएंगे गर्मा गर्म जलेबी और समोसे। समोसे गर्म है, ओके सर। हम मंडी की ओर पहुंच गए, यहाँ पर से एक छोटा सा पुल होके गुजरना पड़ता है छोटा, पर भीड़ बहुत है। तो गाइस, हम मंडी से आ चुके हैं और सब्जी भी ले ली है हमने, और अब जा रहे धीरे धीरे रूम की ओर अपने। तो ये अपने डिफेंस कॉलोनी, इधर अब जाएंगे, अब बनाएंगे और खाएंगे, क्या करें। तो गाइस, पहुंच चुके हैं अपने रूम में, काफ़ी पैदल चले तो थक गए हूँ मैं पूरा। तो अब रखते हैं सामान, और मैं तब तक आता हूँ हाथ मुँह के। तो अपना भाई शायद गाना अरेंज कर रहे हैं पीछे, चलो तब तक मैं भी कुछ कर लेता हूँ। तो अब मैं चलता हूँ रात का डिनर बनाने के लिए। आज डिनर बनाऊंगा मैं आलू बीन्स, और ये अपने हर्षित भैया गिटार बजाते हैं काफी अच्छा, और गाते भी काफी अच्छा है। हर्षित भैया हेलो कीजिए। तो गाइस, ये बहुत अच्छे सिंगर है अपने भैया, एक कंपोजर, राइटर, और एक बहुत अच्छे म्यूजिक अरेंजर।
ये है अपने आलू, बीन्स, प्याज, टमाटर। तो अब काटना शुरू करते हैं। सब्जी मेरी कट के रेडी हो चुकी है और अब तड़का लगाते हैं सब्जी में। तो दोस्तों, इतना आसान नहीं है खाना बनाना, काफ़ी मेहनत लगती है। तो पहले तो लगता था कि बस, पहले तो घर में बन बनाए खाना मिल जाता था तो लगता था कितना आसान है। तो जब तक मेरी सब्जी बनती है तब तक मैं आटा गूंथता हूँ। मैंने रात का डिनर बना लिया बड़ी मुश्किल से, 10 बार तो हाथ ही जला दिया, पर टेस्ट का पता नहीं कैसा होगा। तो अभी तो हमारा डिनर हो चुका है और अब मेरी सोने की तैयारी है। तो मुझे सुबह ऑफिस में जाना पड़ता है और हर्षित भैया तो लेट ही सोएंगे क्योंकि वो तो काम कर रहे हैं। तब तक के लिए गुड नाइट दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।